हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अनुराग किमोठी और स्वागत है आप सबका मेरी इस नई यूट्यूब वीडियो पे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है। पिछले दो सेशन से कंटिन्यू एग्जाम के पैटर्न जो 10th एंड 12th के थे वो अलग थे। इस बार जो पैटर्न है वो अलग बनाया गया है, बिल्कुल ही अलग है। 2 साल से कोविड की वजह से अगर हम बात करें तो 10th और 12th के एग्जाम कहीं ना कहीं बहुत ही ईजी वे में हुए हैं। इस बार वो टफनेस एग्जाम में दी गई है, कंप्लीट सिलेबस दिया गया है, कंप्लीट ही प्रिपेयर करना है, कंप्लीट ही एग्जाम देना है। तो उससे रिलेटेड कई क्वेरीज मेरे पास रेगुलरली आ रही है कि सर इन हम प्रैक्टिस कैसे करें, कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे हम एग्जाम की तैयारी करें। तो इसी बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ। बट उससे पहले देखो, मैं आपको कुछ स्ट्रेटजी बताता हूँ जो आपको कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में हेल्प करने वाली है। होता क्या है, जैसे आपने कई बार देखा भी होगा, सुना भी होगा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अप टू 9th बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, 95%, 96, अप टू 99% भी। बट 10th क्लास में पता नहीं उनको क्या हो जाता है। कई बार आपने सुना भी होगा कि बोर्ड क्लास में जाते हैं इसको पता नहीं क्या हवा लग गई है, क्या हो गया। बट देखो दोस्तों, ऐसा कुछ होता नहीं है। होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अप टू 9th क्या होता है, हम स्कूल में रहते हैं, स्कूल में ही एग्जाम देते हैं और स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वही हमें क्वेश्चन पेपर बना के देते हैं। तो हमारे क्लास टेस्ट रेगुलर होते हैं, पीटी होते हैं, यूटी होते हैं। तो उनमें क्या होते हैं, जो क्वेश्चन हमें टीचर द्वारा दिए जाते हैं, क्योंकि वो टीचर को पता होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही वो हमें पीटी में देते हैं, यूटी में देते हैं, और उन्हीं क्वेश्चन को कहीं ना कहीं फाइनल एग्जाम में भी दिया जाता है, उन्हीं क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। तो हम उन क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहते हैं, उनके प्रिपरेशन कर चुके होते हैं, क्लास में भी टीचर कंटिन्यू उन्हीं को रिपीट करता है, तो वो हमारे लिए एक हेल्पफुल हो जाता है। अप टू 9th हम उसको इजिली कर पाते हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। बट 10th में क्या होता है, अब जब हम 10th क्लास में एंटर करते हैं तो जो कुछ स्टूडेंट्स उस हैबिट को छोड़ देते हैं वो तो कहीं ना कहीं कवर कर पाते हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपनी उस पुरानी हैबिट को छोड़ नहीं पाते। अब जैसे मैं आपको क्वेरी बताऊं, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, सर हमारे यूटी हैं, हमारे हाफ ईयरली हैं, हमारे प्री बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमारे ये चैप्टर हमारे प्रिपेयर कराओ। मैं उनको तब भी बोलता हूँ, मेरे पास जितने भी कोचिंग में आते हैं या जितने भी मेरे पास पढ़ते हैं, मैं उनको क्लियर कर देता हूँ कि बेटा अगर यूटी की प्रिपरेशन करनी है ना, तो उस प्रिपरेशन को आप अपने स्कूल में करें। मेरे पास आप सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए आ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए। क्योंकि होता क्या है, स्कूल वाले अपने मार्क्स दिखाने के लिए एक एक वीक तक एक एक चैप्टर के यूटी या पीटी लेते रहते हैं, एंड उसी चैप्टर्स को बार बार रिपीट करना या सेम क्वेश्चंस रिपीट करना उसको फॉलो करते रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हार्मफुल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। स्कूल वालों को अपना एक इंप्रेशन जमाना है, अपना इंप्रेशन क्रिएट करना है, तो बार बार यूटी लेना, पीटी लेना, प्री बोर्ड के नाम पर एग्जाम लेना वो करते रहते हैं, बट ये कहीं भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो मैं बोर्ड के स्टूडेंट्स को पहले क्लियर कर दूं कि आपका यूटी में या प्री बोर्ड में मार्क्स लाने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जो बोर्ड के एग्जाम है उनमें मार्क्स लाएं। तो आपको अपने पीटी से ज्यादा, अपने यूटी से ज्यादा, या जो प्री बोर्ड हो रहे हैं उनसे ज्यादा प्रिपरेशन करनी है अपने फाइनल एग्जाम की। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर प्रिपरेशन करें कैसे, तो देखो उसके लिए मैं आपको एक सीधी सी बात बताना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको बोलूँ या कोई भी इंसान आपको बोले कि हम आपको एक ट्रिक बताते हैं और आप 100% मार्क्स ले आएंगे, तो देखो ऐसी ट्रिक किसी के लिए नहीं बनी। सभी के माइंड्स अलग अलग होते हैं, सभी के सोचने की समझने की क्षमता अलग अलग होती है। आपको क्या करना है, आपको जो चीज़ बहुत अच्छे से आ गई है, मान लीजिए 10 चैप्टर्स है, 3 चैप्टर्स आपको आ गए हैं, तो आप ट्राई करोगे उन 3 चैप्टर्स को ओनली एज अ रिविज़न, जो मतलब आप 5-10 मिनट का रिविज़न है उसके लिए लो, और मेन फोकस जो आपको चैप्टर्स नहीं आते उन पे करो, उन पे फोकस करो, उनको टाइम दो एंड उन्हीं को कंटिन्यू करो, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग होती रहेगी। होता क्या है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं प्रैक्टिस में उन्हीं को रिपीट, नहीं जो आ गया उसको छोड़ो, जो नहीं आता अब उस पर फोकस करो एंड कंटिन्यू उस पर वर्क करते रहो जब तक वो परफेक्ट ना हो जाए। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि यूटी के लिए प्रिपरेशन नहीं, बोर्ड के लिए प्रिपरेशन, स्कूल को रिजल्ट नहीं देना, आपको सीबीएसई का रिजल्ट बनाना है, तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो कहीं ना कहीं आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।